नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती से संबंधित ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके की। जैसा कि आपको पता है, लेखपाल की एग्जाम नवंबर में है, तो चलिए देख लेते हैं ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला सवाल आपका ये है, निम्न में से कौन सी पशु समाज की विशेषता नहीं है, यानी पशु समाज की एक विशेषता नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो देखो, पशु समाज की जो एक विशेषता नहीं है, वो क्या कह रहा है कि वो सभी कार्य अपने स्वयं के अनुभवों के द्वारा करना, ये पशु समाज की विशेषता नहीं है। जो शक्ति के आधार पर दूसरों पर प्रभुत्व ये तो होता ही है, जो तगड़ा जानवर होता है वो दूसरे को तो हावी रहता है हमेशा ही। मानव समाज और पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी क्या है, तो ये मानव समाज और पशु समाज के बीच जो भेद की श्रेणी है वो जैविकी श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, यानी दोनों है। इसका मतलब ए और बी सही, यानी एक और दोनों सही। विचार अभिव्यक्ति और परम विचार अभिव्यक्ति का परंपरागत माध्यम निम्नलिखित में से क्या है, संकेत है, हाव भाव भी है, बोली भी है, सभी है बच्चा इसमें। निम्न में से कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज की औद्योगिक समाज से संबंधित है, कह रहा है कि आधुनिक परिवार की उत्पत्ति, बिल्कुल सही बात। व्यवसायिक सांस्कृतिक ये भी सही है, विचलन ये भी सही है, सभी सही है ये भी। वी ग्रुप माइंड नामक लेखक के यानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है बताना है बच्चा आपको, ये हैं मैक ड्यूगल। मानव में बोली की क्षमता होने का कारण क्या है, तो उसके स्तन पाई होना बिल्कुल नहीं, जो स्तनपान बहुत सारे और भी जीव करते हैं वो तो नहीं है। उसके मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, इंसान बंदर भी तो बहुत काबिल होता है, चिंपैंजी भी होता, तो उसके जो मुंह की जबड़े की बनावट है वो होता है। व्यक्ति तथा समाज के संबंध के बारे में मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं, तो इनके बीच में सिद्धांत जो है वो कितने हैं, वो दो हैं। मनुष्य को किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा गया है, तो उसका जो है वो इन सभी आधारों पर उसको सामाजिक प्राणी कहा गया, और सामाजिक प्राणी का है जो है अरस्तू ने कहा है, ये सेंटेंस अगर पूछ ले तो अरस्तू ने कहा है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से वह नाम चुनिए जिसका प्रारंभिक जीवन समाज से बाहर विकसित हुआ, तो किसका विकसित हुआ है। संस्कृति शब्द किस भाषा से संबंधित है, ये संस्कृत से संबंधित है। अगला, सांस्कृति यानी जो कल्चर के लिए अनिवार्य तत्व क्या हैं, बोली यानी भाषा, व्यवहार, खान पान, ये सभी सही हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष दर्शाते हैं, किस बात को दर्शाते हैं ये, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में ये दर्शाते हैं प्राचीन संस्कृति यानी पुरानी कल्चर यानी पुरानी सभ्यता को। भारतीय संस्कृति का कोष माना जाता है वेदों की रचनाएं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है, तो भारतीय संस्कृति से संबंधित इनमें से कौन सी है, सभी हैं ये। भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श वाक्य क्या है, विश्व बंधुता की भावना। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एरिया है वो लखीमपुर खीरी का है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, 77% पुरुष साक्षरता थी, 57.2% महिला साक्षरता थी, और ओवरऑल साक्षरता उत्तर प्रदेश की 67% थी। 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में विभेद सबसे अधिक है, यानी विभेद सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा डिफरेंस कब पाया गया लिंगानुपात में, तो कब पाया गया बच्चा बताइएगा, तो ये 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की आबादी का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यानी सबसे ज्यादा कहाँ थे, तो वो सोनभद्र में, कुल जिले की आबादी का 20% आबादी वहाँ एसटी है। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, तो सबसे ज्यादा कानपुर की थी, फिर लखनऊ, आगरा, बनारस। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो इसका जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का सबसे ज्यादा था,
और ललितपुर का सबसे कम है, ललितपुर का सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला पुरुष का अनुपात क्या था? जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों के सापेक्ष 912 महिलाएं हैं। 2001 के अनुसार सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी वाला जनपद गाजियाबाद है। गाजियाबाद में कुल जिले की आबादी का यानी जिले की कुल जनसंख्या का 64% आबादी शहरी है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का तीसरा स्थान आता है? तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर हैं आपके सिख हैं। भारत में अगर आ जाए तो तीसरे नंबर पे जैन ईसाई को लगाएंगे। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता, जैसा कि आपको पता है इन सभी शहरों में रुको कानपुर की है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो नोएडा की है। नोएडा यूपी में सबसे ज़्यादा शिक्षा वाला साक्षरता वाला जिला है, जिसकी 80% साक्षरता है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला, जैसा कि अभी हमने बताया, नोएडा को गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं, इसमें 80% लिटरेसी है। 2011 के अनुसार 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, यानी अगर उत्तर प्रदेश में 1000 जीरो से 6 साल के लड़के हैं तो 0 से 6 साल की लड़कियों की जो संख्या है वो 902 है। 2001 और 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये 20.20 थी, और भारत में पूछ ले तो 17.64 थी। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, जैसा कि हमने बताया था आपको शुरुआत में कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न, और आपको 30 प्रश्न मिलेंगे रोजाना ग्रामीण परिवेश से, जैसे कि आज एपिसोड नंबर 2 था। इसी तरीके से आप बस एक काम करा करिए, इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़े, और साथ ही साथ जीएस कैंपस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको PDF से लेकर सब कुछ यहाँ पर मिलेगा।